सो गाइज़, यहाँ आपका एक बुक हमने शुरू किया था, वो था आपका पैरामाउंट, जिसे आप केडी कैंपस के नाम से भी जानते हैं। ओके गाइज, उसका मैंने पार्ट वन अपलोड किया था अभी दो दिन पहले ही, जिसमें से मैंने आपको सिंटैक्स के कुछ रूल क्लियर करवाए थे बुक के हिसाब से। कुछ मैं अपना भी एडिट किया मैंने बच्चों, जितना बेहतरीन हो सकता था उतना बेहतरीन मैंने आपको दिया। ओके गाइस, यहाँ आज हम लोग बात शुरू करेंगे रूल नंबर 6 से आगे की, यानी कि रूल नंबर 7 से अपनी आज की कहानी हम लोग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 6 रूल पढ़ाए थे, आज की वीडियो में मैं आपको रूल नंबर 7 से स्टार्ट करूँगा। बच्चों, रूल नंबर 7 कह रहा है कुछ नाउन फॉर्म में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर, इनके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ इतनी सारी चीज़ों को रटने से अच्छा होगा मेरी बात को आप सुने। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कुछ नाम हैं आपके, मैं ये कहना चाह रहा हूँ चीज़ें नहीं, कुछ नाम जिनके नाम में ही ऐसा आता है। बच्चों, किसी के नाम के आखिरी में एस आ जाने से वह प्लूरल नहीं बन जाता, ये बात ध्यान रखें। अगर मान लीजिए किसी का नाम पारस है तो क्या वह प्लूरल बन जाएगा? किसी के नाम के आखिरी में अगर एस आ रहा है तो क्या वह प्लूरल बन जाएगा? क्या पारस आर ए गुड बॉय कहेंगे आप इसे? बिल्कुल नहीं बच्चों, पारस इज अ गुड बॉय ही कहा जाएगा, पारस इज अ गुड बॉय ही कहा जाएगा बच्चों, क्योंकि पारस एक लड़का है। पारस क्या है? एक लड़का है। तो जब भी किसी नाउन के अंत में एस आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नाउन प्लूरल ही हो, क्योंकि वो उसका एक नाम है। क्या वो उसका एक नाम है? जैसे कि शुरुआत में उसने कहा कुछ बीमारियों के नाम, जैसे कि उसने कहा मीजल्स। क्या कहा उसने? मीजल्स। मीजल्स एक बीमारी है, चेचक वगैरह की बीमारी हो जाती है नॉर्मली, जिसको हम देसी भाषा में अपनी छोटी माता बड़ी माता के नाम से जानते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों। मम्स भी कुछ उसी तरह की बीमारी है। तो बच्चों, ये सब आपकी बीमारियां हैं, शिंगल्स, ये सब आपकी हैं बीमारियों के नेम। तो बच्चों, ये बीमारियों के नेम हैं, ये इसका मतलब नहीं है कि प्लूरल हो जाएंगे, क्योंकि ये नाम है भाई। किसी चीज़ के अगर आखिरी में एस आने आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल हो जाएगा। यस, ये बीमारी का नाम है। क्या ये बीमारी का नाम है? अगर मैंने आपसे कहा न्यूज़, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आखिरी में एस आया तो ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर ही रहेगा, ये ध्यान रखें बच्चों। समझो मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, यानी किसी भी नाउन के आखिरी में अगर एस आ रहा है तो वो प्लूरल नहीं हो जाने वाला। जैसे कि उसने कहा खेल के नाम बिलियर्ड्स, ड्राट्स, ड्राउट्स, सो गाइस इनके आखिरी में एस आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, इस तरह से। पुस्तकों के नाम द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्किटर्स, सो गाइस आखिरी में ऐसे ई एस आ जाने से कोई भी चीज़ प्लूरल नहीं बनती है। खासकर जरा इसको भी देखना ध्यान से, यहाँ पर उसने कहा फिजिक्स। क्या कहा उसने? फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, डायनेमिक्स, स्टेटिस्टिक्स। सो गाइज आखिरी मान क्या आ रहा है? आईसीएस। इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये मैं एकदम बात खत्म करके नहीं जाने वाला यहाँ से अपने बच्चों, मैं तो बिल्कुल क्लियर करके ही जाऊँगा आपको, तभी मजा आएगा बच्चों, ध्यान रखें। सो गाइज इनके आखिरी में आ रहा है ICS। क्या रहा है इनके आखिरी में? ICS। उन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। पहले चलो इसकी बात बाद में करते हैं, पहले मैं सबके एक एग्जांपल देख लूँ जो बुक में उसने दिए हैं। कह रहा है कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आखिरी में एस आ जाने से कोई चीज़ प्लूरल थोड़ी ना हो जाएगी। क्यों जी बच्चों? तो यहाँ पे इज आपका ठीक है। पॉलिटिक्स इज नॉट कप ऑफ माई टी, यानी कि मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है। फिर से उसने इज लगाया, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसने कहा यहाँ पर कुछ नोट में लिखा उसने, स्टेटिस्टिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा है और मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन हो, तो पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से है, इनका प्रयोग वचनों के रूप में होगा। बच्चों यहाँ मतलब ये बात को घुमाने वाली बात है, ऐसे आप मीनिंग निकालना अगर जानते तो आपको ज़रूरत नहीं थी इंग्लिश पढ़ने की। अगर इतनी अच्छी वोकेबलरी के साथ में आप लोग हैं तैयार कि आपको मीनिंग निकालना आता है, आपको सब पता है कि कब कहाँ क्या होना है, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है ना पढ़ने की। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आप एक रूल एडिट करता हूँ अपने साथ में, ध्यान दीजिएगा। जितने भी हमारे ICS वाले नाउन हैं, क्या है बच्चों? ICS वाले नाउन हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं बोलूँगा नहीं, लिखूँगा नहीं।
फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, डायनेमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, जितने भी हमारे आईसीएस वाले नाउन हैं, अगर उनसे पहले कोई डिटरमाइनर, उनसे पहले कोई डिटरमाइनर, माई, ओवर, योवर, देयर, हिज, हर, दा, इनसे पहले कोई भी डिटरमाइनर अगर आपका लग जाए तो फिर आपकी प्लूरल आएगी। बच्चों ध्यान रखें, अब आप सोच रहे हैं बच्चों कितना इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब एक पैरामाउंट जैसे बुक में इस रूल का जिक्र नहीं है, तो बच्चों सोचे कि जिक्र कहाँ होगा फिर इसका रूल का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, ये हमने अपने ग्रामर कोर्स में बताया है बच्चों को। यहाँ मैं पैरामाउंट बुक सोल्व करा रहा हूँ तो मैं पैरामाउंट की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा माई मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, आर नॉट गुड। अब यहाँ पे मैं आर लगाया हूँ, क्यों लगाया हूँ बच्चों आर, क्योंकि आईसीएस वर्ड नाउन से पहले एक डिटरमाइनर आ चुका है। मैंने कहा हिज फिजिक्स, क्या कहा उसने आपसे, हिज फिजिक्स, तो बच्चों हिज आ गया है आईसीएस वर्ड नाउन से पहले, आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे आर नॉट गुड, क्या इस्तेमाल करेंगे आर नॉट गुड। बच्चों ध्यान रखें इस बात का, जैसे कि आपने कहा द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स डू नॉट गुड फॉर अस, सो गाइस अब यहां पे द लगाएंगे नॉट डज। तो यहां बचना है आपको, यानी कि ध्यान दीजिएगा जितने भी आपके आईसीएस वाले नाउन हैं, आईसीएस वाले नाउन हैं उनके साथ नॉर्मली सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आईसीएस वाले नाउन के साथ में कोई डिटरमाइनर आ जाए आपका तो आप उनके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे प्लूरल वर्ब का। सो गाइस ये था आपका एक रूल, बड़ा प्यारा रूल नंबर 7, जिसको मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको खूब अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। चलते हैं रूल नंबर 8 पर। एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। अक्सर हम वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, ऐसा करना गलत है। जैसे कि उसने कहा बच्चों यहां द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। बच्चों ये बात मुझे फिर से मजा नहीं आया, ये बात तो हम लोग आपको बता ही चुके हैं। किस लहजे में हमने आपको एक बात बताई है बच्चों, हमने कहा आपसे कि सेंटेंस में केवल यही नहीं, हमेशा कहीं पे भी हो जाए, प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को आप कुछ ना माने, सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को आप कुछ ना माने, उसको आप कट करते हुए चले आगे बढ़े और फिर देखना कितना मजा आता है। जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल नंबर उठा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में उठा रहा हूँ, जरा मेरी बात को ढंग से देखिएगा, आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा द अपील, क्या कहा मैंने आपसे, द अपील ऑफ द विक्टिम्स, ध्यान से देखते रहेगा बच्चों, फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस टू रोइड्स टू सम अदर स्टेट बच्चों यहां पे आपको चीजें को ध्यान देना होगा, मेरे ही रूल्स इतने प्रभावशाली रहेंगे आपके लिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप एग्जाम के लिए कर जाएंगे। प्रीपोजिशन के बाद जो भी पोर्शन होगा, खत्म, कट। अब आपके पास बचा क्या, द अपील, जो कि सिंगुलर है, क्या आपका ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब बन चाहिए, आपने क्या लगाया हैज, क्या लगाया आपने हैज। सो ये बात मेरी ध्यान रखें, प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं, ये बात ध्यान रखें। यस बच्चों अगले ही रूल में उसने कहा बच्चों, रूल नंबर 9 आपके पास में है, रूल नंबर 9 कलेक्टिव नाउन से है, किससे बच्चों, कलेक्टिव नाउन से है। अब यहां मैं फिर डायरेक्ट बता दूं अपनी बात को, सो मुझे नहीं लगता कि ये इंसाफ होगा। बाकी बच्चों आप लोग बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, जो देख रहे हैं दिल से, कि क्या मैं रूल्स को डिट्टो पढ़ता हुआ चला जाऊं या अपना जो मुझे पता है वो मैं साथ साथ बताता चलूं। यस जैसा आप कहेंगे मैं अगली वीडियो में आपके लिए वैसा ही करना शुरू कर दूंगा, मतलब ये सब कुछ अब आपके हाथ में है। अगर आप कहेंगे डिट्टो तो मैं डिट्टो रूल बना शुरू कर दूंगा जैसा उसमें लिखा है बुक में। अगर आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर करके पढ़ाना है, खूब अच्छे से बताना है रूल्स को, एक्स्ट्रा भी एडिट कर दीजिए, तो मैं एक्स्ट्रा एडिट के हिसाब से बताऊंगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आज उसने बात करी रूल नंबर 9 में कलेक्टिव नाउन की, किसकी बात करी, कलेक्टिव नाउन।
बच्चों कलेक्टिव नाउन को मैं दो श्रेणी में बांटता हूँ, पहला कॉम्पैक्ट और दूसरा कॉम्पैक्ट। क्या बच्चों? कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। बच्चों कॉम्पैक्ट नाउन वो नाउन जो अपना मीनिंग देने में खुद ही सक्षम हो, जो अपना मीनिंग देने में खुद ही सक्षम हो उन्हें बोलते हैं कॉम्पैक्ट नाउन। जो अपना मीनिंग खुद क्लियर करते हो उन्हें बोलते हैं कॉम्पैक्ट नाउन। जो अपना मीनिंग खुद क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उन्हें बोलते हैं नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। लाइक आपने कहा फैमिली, तो बच्चों मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं। आपको पता है कि फैमिली में माता पिता बच्चे चाचा चाची ताऊ ताई ये सभी। मैंने कहा क्लास, तो बच्चों आपको पता है क्लास में बॉय गर्ल और टीचर यही चीज़ें होंगी। बच्चों मैंने कहा टीम, आपने कहा प्लेयर्स, क्लियर बात। मैंने आपसे कहा यहाँ पे बेबी, आपको नहीं बताया बच्चों। मैंने कहा आपसे यहाँ पे लॉइन, आपको नहीं बताया बच्चों। मैंने आपसे कहा शॉल, आपको नहीं बताया बच्चों। तो गाइस वो शब्द जो अपने मीनिंग देने में सक्षम ना हो उन्हें बोलते हैं हम लोग नॉन कॉम्पैक्ट नाउन, और वो कलेक्टिव नाउन जो अपने मीनिंग देने में सक्षम उन्हें बोलते हैं कॉम्पैक्ट नाउन। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट से ही कॉम्पैक्ट नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। आपने कहा क्लास, बच्चों तक आपने क्लास, आप इसका प्लूरल बना दीजिए क्लासेस, क्या कर दीजिए इसका क्लासेस। सो गाइस कलेक्टिव नाउन का कॉम्पैक्ट वाले पोर्शन का सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ नॉन कॉम्पैक्ट की बात तो उसका आपको सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते। आप कहें बेबी और आप उसे कहते बेबीज, क्योंकि आखिरी में वाई आ रहा है तो वाई हटा के आई एस लगा दूँ, ये कहना गलत होगा। सो गाइस ये कहना होगा बिल्कुल सरासर गलत, सिस्टम से चलना होगा आपको लेकर के बातों को अपने साथ में, कुछ भी कहना गलत होगा इस स्थिति में। जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसने कहा द हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बच्चों यहाँ पे द हर्ड झुंड ये आपका नॉन कंपैक्ट नाउन है, क्या आपका ये नॉन कंपैक्ट नाउन है? तो बच्चों यहाँ पे इसके साथ में उसने द हर्ड ऑफ काउस, इसे तो कटे कर देंगे हम लोग, वर्ब आएगी इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये आपका नॉन कॉम्पैक्ट नाउन है, यहाँ इसका प्लूरल बनाया नहीं गया है, आपको पता नहीं है इसका प्लूरल क्या होगा। तो गाइस इसका आपने लगाया सिंगुलर वर्ब, क्या लगाया आपने साथ में इसके? सिंगुलर वर्ब। जरा ध्यान दीजिएगा द कमेटी, यहाँ ये जो वर्ड है कमेटी हमारे पास में बच्चों उसको देखिएगा ध्यान से, बड़ा प्यारा वर्ड है ये, कह रहा है कि द कमेटी, क्या कह रहा है? द कमेटी। ये जो वर्ड है बच्चों कमेटी हो गया, ज्यूरी हो गया, टीम हो गया, बच्चों ऑडियंस हो गया, ये जितने वर्ड हैं इनको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। पता क्या चलता है? आगे आए हुए इट्स से या आगे आए हुए देयर से। किससे बच्चों? या तो आगे आया हुआ है इट्स तो समझिएगा सिंगुलर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, अगर आगे आया हुआ है देयर तो समझिएगा प्लूरल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि सेंटेंस नंबर दो में उसने कहा था कमेटी हैज यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन, तो गाइस इट्स मतलब सिंगुलर वर्ब, तो आपने कमेटी के साथ में हैज का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक है। अगले में उसने कहा द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, बच्चों उसने कहा देयर, आपने कहा आर, बिल्कुल सही बात है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर, उसने कहा देयर, आपने कहा आर, हैव, बिल्कुल ठीक है। बच्चों नॉन कॉम्पैक्ट नाउन का आप इस तरह से पता लगाते हैं एग्जाम के अंदर कि कौन सा नाउन प्लूरल है कौन सा नाउन सिंगुलर है। रूल नंबर 10 देखिएगा, प्लूरल संख्या के साथ में प्लूरल का प्रयोग होता है, कह रहा है कि 100 बॉयज, ऐसा कहना चाह रहा है। बच्चों ये बातें वो हैं जो आपको पता है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसने कहा है, बच्चों ध्यान दीजिएगा वर्ड की तरफ, पूरा वर्ड टू वर्ड। कार्डिनल एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4 के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट या सर्टेन वेट या सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट, ऊंचाई, यानी कि सर्टेन कवर हो रहा हो, निश्चित हो रहा हो, तो बच्चों सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस तरह से, देखिए इस बात को बच्चों आप यहाँ इस तरह समझे, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ पहले जिससे कि मैं आपको और क्लियर करके बता सकूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने कहा टू
2000 रुपीज आर इन माई पॉकेट्स। ध्यान देना बच्चों। फिर अगले पर मैंने आपसे कहा टू थाउजेंड रुपीज आर इन माई पॉकेट। सो गाइस यहां पे ध्यान देना, मैंने पहले सेंटेंस में कहा पॉकेट्स, मैंने कहा 2000 रुपये मेरे जेबों में हैं, तो गाइस मैंने जेबों की बात करी है, यानी कि 2000 रुपये तो हैं लेकिन मेरे पास जेबों में हैं, मैंने अपनी अलग 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 जेबों में रखे हुए हैं। 500 किसी जेब में है, 100 किसी जेब में है, 200 किसी जेब में है, मैंने इस तरह करके जेबों में फंसाए अपने नोट, तो ब्लू रोब लगाया है। मैंने कहा 2000 रुपये मेरी जेब में है, मैं जो जेब में है नोट जेबों में है, मेरे एक ही जेब में 2000 रुपये हैं। आप यहाँ पे प्लूरल नहीं सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेंटेंस के अंदर कुछ इस तरह से ही हमें गड़बड़ी दी जाती है एग्जाम के अंदर भी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है, 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है, फिर दूसरा सेंटेंस में लिखा 10 किलोमीटर एक लंबी दूरियां हैं, लंबी दूरियां हैं। क्या बच्चों आपको अच्छा लग रहा है इनमें से, करेक्ट हिंदी में सोचिए आप, क्या आपको पहला वाला सही लग रहा है दूसरे वाला सही लग रहा है? बच्चों पहले वाला ही सही है, दूसरे वाला बिल्कुल इनकरेक्ट है। मैंने आपसे कहा कि मेरी बहन की शादी में मेरे 10,000 रुपये खर्च हो गए या फिर 10,000 रुपये खर्च हो गए, तो बच्चों आप कहेंगे हजारों नहीं 10,000 रुपये खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए? 10,000 रुपये खर्च हो गए मेरी बहन की शादी में, मेरे 10,000 रुपये खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए बच्चों? 10,000 रुपये, नोट 10,000। तो बच्चों जब एक निश्चित अमाउंट की बात होगी आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जब एक निश्चित अमाउंट की बात नहीं होगी आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखें। जैसे कि उसने कहा एग्जाम्पल नंबर में कह रहे कि 100 रुपीज इन माई पॉकेट, उसने कहा पॉकेट नॉट पॉकेट्स, सो गाइज यहाँ पर मैंने इसका इस्तेमाल किया। 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, उसने कहा अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्या कहा उसने? अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर हम पहचाने किस तरह कि वो सर्टेन हाइट है, सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन क्या है? बच्चों आगे आने वाले वर्ड से, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 2000 रुपीज आर इन माई पॉकेट्स, तो भाई आगे आए हुए शब्द से आप पता लगाएं कि नाउन सिंगुलर है प्लूरल, इससे कोई लेना देना नहीं आपका। इस स्थिति में अगर बात इसी पर पकड़नी हो तो फिर इससे कोई लेना देना नहीं होगा आपका। अब बच्चों यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस उसने कहा 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, उसने कहा इज अ हैंडसम अमाउंट, आगे कहा उसने इज अ हैंडसम अमाउंट, तो बच्चों अ लगा दिया है ना, तो आपने सिंगुलर का इस्तेमाल किया है। 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट, उसने कहा ऑन डिफरेंट, अलग अलग चीज़ों पर खर्च किए गए हैं, आपने क्या लगाया बच्चों यहाँ पे? प्लूरल वर्ब। मेरी बात समझ में आई अभी नहीं आई बच्चों? तो यहाँ रटाफिकेशन छोड़कर आगे बढ़ जाना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी, आपके बहुत काम आएंगी, अन्यथा फिर फंसे रहिए भटकाव में और इसी तरह से फिर आप मूर्ख बनते रहिएगा। लीजिए रूल नंबर 11 आपके सामने है इस टाइम, रिलेटिव प्रोनाउन का। इसको मैं अभी आपसे बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों यहाँ पर रूल को। पहले रिलेटिव प्रोनाउन में आपका आता कौन कौन है पर समझ लीजिएगा, हु, whom, which, what, that, ये सभी आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो उसके पिछले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ये बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर पिछले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, पिछले वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। मेरी इन बातों को सुनते रहिएगा, नॉट लिखते भी रहिएगा साथ साथ। अगर पिछले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अगले वाले वर्ब भी सिंगुलर होगी, पिछले वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो अगले वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन अगर पिछले वाला सब्जेक्ट से पहले आपका ओनली लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ओनली लगा हुआ है। अब चाहे सर फूटे या माथा, यार मैंने तो वहाँ कर दी, याद आ गया बच्चों गाना एक बड़ा प्यारा, ध्यान दीजिएगा। अगर पीछे ओनली लगाओ, क्या लगाओ हो? ओनली, तब आप सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। अब चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, बच्चों चीज़ें हैं
समझ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, नहीं समझोगे तो ऐसे फंसे रह जाओगे बच्चों जाल में और कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ध्यान रखें आप लोग। ओके गाइस, तो चीज़ों को पकड़ते हुए चले, रूल्स को अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलें। मैं आपको ये बुक करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारी डिमांड थी बच्चों के कि सर पैरामाउंट की बुक करा दीजिए, एक बार पैरामाउंट की बुक करा दीजिए। मैं भी इसको आज पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, मतलब इस बार कराने के दौरान, कि क्या ऐसा खास है पैरामाउंट की बुक में, हम भी देखते हैं बच्चों। बुक अच्छी है नो डाउट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक बेकार है बिल्कुल भी बच्चों, बुक अच्छी है। देखिए अब ये तो कहना गलत होगा कि कोई भी बुक दुनिया की आपकी सफलता को अर्जित करा सकती है बच्चों। दुनिया की कोई भी किताब हो चाहे, फिर वो किताब नहीं बच्चों, फिर वो नोट्स हुआ करते हैं। दुनिया की कोई भी बुक के अंदर रूल्स कंप्लीट नहीं हो सकते, कमियां सबके अंदर है बच्चों। हो सकता है मैंने जो नोट्स बनाए अपने उसके अंदर भी कमियां हों, यस हो सकता है, नहीं बल्कि पक्का होंगे उसके अंदर कमियां। कोई और टीचर देखेगा तो वो उसके अंदर कमियां बताएगा, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं है। हर आदमी अपनी तरफ से कोई परिपूर्ण चीज़ ही निकालता है, ध्यान रखें। तो ये बुक भी परिपूर्ण तरह से बनाई गई होगी उस समय पर सोच करके। तो फिलहाल बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बात को लेकर के अपनी। उसने कहा सी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमा दैट हैज, बच्चों हैज नहीं क्योंकि इससे पीछे प्लूरल नाउन आ रहा है, तो प्लूरल वर्ब हैव का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? प्लूरल वर्ब हैव का इस्तेमाल होगा, नॉट हैज का। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में हम लोगों ने लगाया प्लूरल वर्ब, क्या लगाया बच्चों हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब। फिर आगे देखिए कह रहे हैं कि आई एम नॉट, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु, बच्चों हु के बाद जो वर्ब आएगी पहले साहब सबसे, हालांकि मॉडल वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस बात का, हु विल ट्रस्ट एवरी वन हुम आई मीट, बच्चों आई नहीं क्योंकि पीछे प्लूरल था, तो प्लूरल के लिए आप दे का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? दे का। तो गाइज ये चीज़ें हैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, ध्यान रखें। बस ध्यान रखना, बचना किससे है कि अगर पीछे ओनली आ जाए, क्या आ जाए पीछे? ओनली आ जाए। अगर ओनली आ जाएगा तो फिर सबके साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी है। क्या लगानी है बच्चों? सबके साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी है। ओके गाइज, तो ये हैं आपके वो रूल्स जो हमें याद रखने हैं। रूल्स नंबर नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है, अगर छोटा सा है तो पढ़ा के चलते हैं अभी, अन्यथा फिर ये बात कल बताएंगे बच्चों आपको। ओके गाइज, तो यहाँ अभी रूल्स बचे हुए, बहुत सारे रूल्स अभी बचे हुए हैं आपके सामने बच्चों। तो यहाँ की बात आज यहीं ख़त्म करनी होगी मुझे, क्योंकि समय इतना ही मेरे पास रहता है बच्चों, जितना मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ ईजिली। ओके गाइज, तो फिलहाल बच्चों चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।